अस्सलाम वालेकुम मैम वन, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू का काम स्टार्ट करेंगे, जिसका सफ़ा नंबर है 48। उनवान है हमारा हर्फ ज़े। कौन सा उनवान है? हर्फ ज़े। ज़े की आवाज़ क्या होगी? ज़ा। ज़े के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। हमारे पास दो सलाहियतें हैं, सुनने और बोलने की मतवक़ हासिलात। तल्लु में हमारे पास इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशे के नाम बता सकें, तस्वीर को पहचान कर उसके बारे में बता सकें, नुक्ते मिलाकर हरूफ तहजी मुकम्मल कर सकें। नोट भराए वालदैन, वालदैन के लिए नोट है मोहतरमा वालदैन। दिए गए क्यू आर कोड में मौजूद वीडियो देखें और बच्चे को भी दिखाएँ। जेल में दिए गए सवाल सरगर्मियाँ मिल के हल करें। नेक्स्ट हमारे पास जेल में दी गई तस्वीर देखिए और बताएं कौन से रंग की और इसे घर में कौन कौन और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेजा जंजीर कौन सी है? तो आपने बताना है कि घर में कौन कौन और कैसे कैसे इसे इस्तेमाल करता है और वीडियो बनाकर अपने उस्ताद को भेजें। अगर भेजती है तो स्माइली फेस में कलर करना है, अगर नहीं भेजी तो नहीं भेजी, सैड फेस में रंग भर देना। नेक्स्ट हमारे पास है वालदैन की मदद से दिए गए खानों में जे से शुरू होने वाली अशिया की तस्वीर जज्बा करें, जिनका जिक्र वीडियो लेक्चर में हुआ है। हमारे पास तीन खाने हैं, आपने इन तीन खानों में जे से बनने वाली अशिया की तस्वीर जज्बा करनी है। अगर तस्वीरें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तस्वीरें खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने जेजा ज़बान बनाई है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही जेजा ज़बान बना लेनी है। दूसरे खाने में मैंने जैसे जेजा जंजीर क्या बनाया हुआ है? जेजा जंजीर। तीसरे खाने में जेजा जराफा, आपने देखा होगा जराफा, तो बिल्कुल ऐसे ही जे से बनने वाली आपने अशिया बना लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है दो सलाहते हैं, सुनने की और लिखने की मतवक हासिला थे तल्लु में हमारे नुक्ते मिलाकर हरूफ तहजी मुकम्मल कर सकें, उर्दू हरूफ तहजी की पहचान की इब्तदा कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास उनवान है हमारा नुक्ते मिलाकर जे की लिखाई मुकम्मल करें, तो हम इसी तरह जे की नुक्ते को नुक्ते से मिलाकर हमारे पास हर्फ कौन सा बन जाएगा? हर्फ जे। जे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। जे की आवाज़ क्या होती है? ज़ा। जे की आवाज़ क्या होती है? ज़ा। जेजा ज़राफ़ा, जेजा ज़बान, जेजा जंजीर। इसी तरह प्यारे बच्चों आपने हर्फ जे की लिखाई को मुकम्मल करना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।